बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियाकत और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, हमारी दुनिया का सरफेस एरिया 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है और जिसमें 36.2 करोड़ किलोमीटर पानी से भरा हुआ है और आज तक हम सिर्फ इसके 5% को ही जान पाए हैं। कई सेंटर्स का ये मानना है कि इतने बड़े एरिया में एलियन जैसे जीव भी हो सकते हैं जिसको आज तक हम नहीं ढूंढ पाए हैं। तो आखिर समंदर के 5% में हमें आज तक क्या क्या मिला है, आज हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरीना डेंज जो अब तक की सबसे गहरी जगह है जिसमें अब तक सिर्फ 3 लोग ही जा पाए हैं, लेकिन समंदर के इस गहराई के मिशन में जाने से पहले इन लोगों ने सोचा था कि इतनी गहराई में पानी के दबाव की वजह से कोई भी जानवर नहीं हो सकता है। पर वो लोग इतनी गहराई में जब गए और ज़िंदा चीज़ों को देखकर बिल्कुल ही हैरान से हो गए थे। तो समंदर की गहराई में आखिर क्या क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। समंदरी लेवल से 40 मीटर नीचे Y40 स्विमिंग पूल है जिसे दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल माना जाता है। 6.5 मीटर नीचे इटालियन अंडर वाटर साइकिल विक्टोरिया इनोवेशन में 2008 में डीपेस्ट अंडर वाटर साइकिलिंग का रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद जब हम 73 मीटर नीचे जाते हैं तो इसकी गहराई में ताजमहल और कुतुब मीनार को उल्टा कर सकते हैं। 93 मीटर नीचे आरवे सो आर्टीनिया के निशानात मिलेंगे जो कि 1915 में जर्मन सबमरीन के ज़रिए डिस्ट्रॉय किया गया था। 130 मीटर नीचे डीपेस्ट अंडर वाटर शादी करने का रिकॉर्ड मौजूद है। इस जोड़े को ज़मीन की खुश्की के बजाय पानी में शादी करना ज़्यादा मुनासिब लगा जो कि थाईलैंड में 2013 में हुई थी। कौन भाई ऐसा है जो ये कहता है कि इंसान अक्ल नहीं रखता। 170 मीटर नीचे आरवे स्कारपीथिया के बच्चे को चेन शनाथ मिलेंगे। ये सरो टाइटेिक्कीम की स्कीम के लिए जाना जाता है। 214 मीटर नीचे फ्री डाइविंग का रिकॉर्ड है जो हर्बल नाम के फ्री डाइवर ने सिर्फ एक बार सांस लेकर किया था और इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था। 332 मीटर नीचे स्क्यूबा डाइविंग का रिकॉर्ड है जो कि अहमद गैबर के नाम पर दर्ज है। और 74 मीटर नीचे जाने पर सुपीरियर लेक का डीपेस्ट पॉइंट मिलेगा। 500 मीटर नीचे दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल का इलाका है जिसमें सिर्फ उसका राज है। और 535 मीटर नीचे एम्पीरियर पेंगुइन मिलेगा। 830 मीटर नीचे समंदर की गहराई उल्टे बुर्ज खलीफा के बराबर होगी। 900 मीटर नीचे आपको जॉइंट सुकाइड देखने को मिल सकता है और 1000 मीटर तक सूरज की रोशनी जाती है। इसके नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। इसके 100 मीटर नीचे दुनिया का वोल्कन वेस्ट मादा है जो समंदर की गहराई में मौजूद है। और 1280 मीटर नीचे दुनिया का सबसे ख़तरनाक जीव ग्रेट व्हाइट शार्क राज करता है। 1640 मीटर गहराई पर दुनिया का सबसे बड़ा फिश वाटर लेक बाइकाल का डीपेस्ट पॉइंट है। ये लेक रशिया में मौजूद है। 1828 मीटर डीपेस्ट पे रेड कैनवेन का डीपेस्ट पॉइंट है। 2250 मीटर नीचे आपको स्पर्म व्हेल देखने को मिल सकता है। 3800 मीटर गहराई पर आरएमएस टाइटैनिक डूबा हुआ मिलेगा। 3900 मीटर गहराई पर एयरबस 130 का ब्लैक बॉक्स मिलेगा जो 2009 में एटलांटिक ओशन में क्रैश हुआ था। 5700 मीटर नीचे एसएस एयर ग्रैंड के निशानात मिलेंगे जो दुनिया के सबसे गहरे जहाज़ का नमूना है जो 1941 में डूबा था और लगभग 55 साल बाद इसके डिलीवर्स पाए गए। 6500 मीटर नीचे तक DSV एलवन नाम का सबमरीन जा चुका है। ये वो सबमरीन था जिसने टाइटैनिक ढूंढने में मदद की थी। 8150 मीटर नीचे सनील फिश देखने को मिलेगी और ये आखिरी लिमिट है जहाँ तक के ज़िंदा चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसके बाद 8848 मीटर की गहराई माउंट एवरेस्ट के जितनी होगी। 10,898 मीटर नीचे टाइटैनिक मूवी के ऑनर जेम्स कैमरन पहुंचे थे। 10,916 मीटर नीचे डॉन वलश और जैक वीपिक कार्ड 1960 में पहुंचे थे और इससे ज़्यादा गहराई में आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। 10,994 मीटर नीचे मरियाना डेंज का डीपेस्ट पॉइंट है जिसका नाम है चैलेंज डीप जो गोम आयरलैंड के 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। दोस्तों, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ 5% को ही आज तक जान पाए हैं। हो सकता है मुस्तकबिल में मरियाना डेंज से भी कोई गहरा पॉइंट हमें मिल जाए। क्योंकि 1997 में सरियाना डीप को डिस्कवर किया गया था, जिसकी गहराई 10,732 मीटर है, जो समंदर का दूसरा डीपेस्ट पॉइंट है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मरियाना डेंज से भी कोई गहरी जगह हमें मुस्तकबिल में देखने को मिलेगी? हमें आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कोई नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ज़िंदगी ने वफा की तो मैं मिलूँगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।